मेरठ में आज दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लूटकर भाग रहे चार बदमाशों में से 50,000 का इनामी बदमाश मुबेर मुठभेड़ में मारा गया। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में एक सिपाही, SHO और CO दुराला भी बदमाशों की गोली से घायल हो गए। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की हत्या, रंगदारी जैसे एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। देखिए, अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट ली है। इस सूचना पर जो संबंधित थाने के जितने भी अधिकारी वो मौके पर पहुंचे और एक मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कुछ बदमाश मौके से भाग गए। जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल को एक जगह पर भागते भागते उन लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद खेतों के अंदर चले गए। खेतों के अंदर कुछ मुठभेड़ हुई, कुछ लोगों का पुलिस ने पीछा भी किया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश इंजर्ड हुआ। इंजर्ड बदमाश को पुलिस हॉस्पिटल भेजा गया है और जहां पर अभी बताया गया है रफली 4 बजे के आसपास हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जो बदमाश था उस पर 50,000 रुपये का इनाम था। उसका नाम जुबैर है, किलेसारी गेट का रहने वाला है। पूर्व में भी काफ़ी जगह हत्याएं और घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। अभी सूरत में जो व्यापारी का मर्डर और लूट की घटना कारित की गई थी तो उसमें भी जो है इस व्यापारी का, इस बदमाश का नाम आया था। कुछ ही दिन पहले अभी 2 लोगों को इसने रंगदारी के लिए गोली भी मारी है थाना जिसाड़ी गेट क्षेत्र में, और फलावदा में भी कई सारी घटनाएं इसके द्वारा कारित की गई हैं। तो ये चीजें अभी पुलिस को पता लगी हैं। पुलिस अभी और गंभीर छानबीन कर रही है और क्या चीज निकल के आती है वो आपके सामने देखते हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? करीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी, और भी डिटेल जरा देख के बतानी पड़ेगी। और कितनी गंभीर इंजुरी है ये तो हॉस्पिटल में पता लगेगा।